हरदोई में आज दिनांक 15/3/2024 को पुलिस अधीक्षक हरदोई द्वारा कोतवाली शहर क्षेत्र में आगामी लोकसभा चुनाव एवं जुम्मा नमाज के दृष्टिगत भीड़भाड़ वाले संवेदनशील स्थानों, बाजारों एवं महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के आसपास अर्धसैनिक बलों के फ्लैग मार्च कर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए एवं आम जनमानस से शांति सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में संवाद स्थापित कर सुरक्षा व्यवस्था का भरोसा दिलाया गया। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी क्षेत्राधिकारी नगर व प्रतिनिधि कोतवाली शहर सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। सर, आज सड़कों पर गश्त पुलिस की निकली हुई है, भी अर्धसैनिक सुरक्षा बल के जवान भी, क्या प्रयोजन है इसका, क्या मैसेज देना है? ये आगामी लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए मुझे एक कंपनी BSF एरिया डोमिनेशन के लिए प्रदान की गई है, जिसके तहत आज शहर कोतवाली में एरिया डोमिनेशन के तहत लोगों में विश्वास जगाने के लिए, विश्वास पैदा करने के लिए, किसी प्रकार का भय ना हो किसी के दिमाग में कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी रहेगी, इसलिए यह भ्रमण कार्यक्रम आज आयोजित किया जा रहा है। निर्देश ये भी थे कि जैसे CA लागू हुआ है, उसके बाद जो है आज पहला जो है शुक्रवार है, इसको लेकर भी कुछ जो है एहतियात बरत रहे हैं। CA के लेकर मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका हूँ कि ये किसी का कुछ छीनने वाला कानून नहीं है, बल्कि ये देने वाला कानून है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, जिसके तहत जो बाहर हमारे प्रवासी भारतीय हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, हिंदू हैं, इनको अगर कोई दिक्कत रही और यहाँ पर पड़े हुए हैं, उनको सरकार नागरिकता दे रही है, इससे नागरिकता किसी की छीनी नहीं जा रही है। बाकी सतर्कता की दृष्टि से जो ऑर्डर हुए हैं हमारे ऊपर से, उसके निर्देशों के क्रम में सोशल मीडिया का मॉनिटरिंग हो रही है, सभी जगह हो रही है, ऐसा कुछ यहाँ पर ऐसा नहीं पाया गया। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।